हेलो। त्रिकोणमित्री, त्रिकोणमिति यानी यह एक अंग्रेजी शब्द है और यह कहाँ से प्राप्त हुआ? तो यह ग्रीक शब्दों से प्राप्त हुआ, जिसमें त्रि का मतलब तीन होता है यानी थ्री, और गौन का मतलब भुजा जिसका मतलब साइज होता है, और मेट्रॉन, मेट्रॉन का मतलब होता है माप यानी मेजर। भुजा के नंगे भुजा की पहचान के लिए हम दो त्रिभुज यहाँ बनाए हैं, समकोण त्रिभुज, सेम सेम, ए बी सी, ए बी सी। इसमें जो है न्यून कोण की तरफ हम बात करेंगे, न्यून कोण इसमें सी है और इसमें न्यून कोण ए है। न्यून कोण सी के लिए देखिएगा जरा से, यहाँ ए बी इसमें क्या है, लंब है यानी परपेंडिकुलर, जिसके लिए संकेत पी होता है। बीसी क्या है इसमें, आधार है जिसके लिए संकेत क्या है, बी है। और एसी क्या है, यह कर्ण है यानी कर्ण, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में हाइपोटेनियस, और इसका संकेत क्या होता है, एच होता है। न्यून कोण, ध्यान दीजिएगा, जिस समकोण त्रिभुज में यदि किसी न्यून कोण के लिए बात की जाए तो उस न्यून कोण से सटी हुई भुजा यानी उस न्यून कोण से सटी हुई भुजा यानी इसमें अगर कोण सी है न्यून कोण, तो न्यून कोण से सटी हुई भुजा आधार कहलाता है, न्यून कोण के सामने वाला भुजा लंब कहलाता है, और समकोण यानी 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण कहलाता है। न्यून कोण, जिस न्यून कोण के लिए बात की जाती है उसमें एक कर्ण भी आता है सटा हुआ भुजा, लेकिन कर्ण को छोड़कर। थैंक यू।